हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, कल हमने एवरेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके सब फार्मूले कंप्लीट कर दिए थे। पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका जो एवरेज है वो अब कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। इससे भी हम दो तीन सेशन में कंप्लीट कर देंगे। आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे, जब फार्मूले जिसको आप बोलते हो, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की भी जो वीडियोस है उन्हें नहीं देखा हो तो वो आप देख सकते हो, चैनल में जाके वहां पे आपको सब मिल जाएंगी। अब बात करूं स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड का आपका फार्मूला रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जहां से इसको स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो आपको आगे इसमें दिक्कत आ जाएगी। स्पीड का फार्मूला रहता है फ्रेंड्स डिस्टेंस बाय टाइम, जहां इस फार्मूले के जरिए आपने डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड निकालना हो या टाइम निकालना हो, तीनों को आप इजी वे में निकाल दोगे। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करूं अगर आपने 1 किलोमीटर हावर को किसमें कन्वर्ट करना हो, मीटर बाय सेकंड में, आपने सिंपल उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर बाय सेकंड में। जब कोई नंबर होगा मीटर बाय सेकंड में, अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर हावर में, तो आपने क्या करना है 18/5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल अगर याद रखना हो कैसे, जब किलोमीटर बड़ा यूनिट है, बड़े से आपने छोटे में जाना है, तो छोटे में आना है, छोटा पहले ऊपर होना चाहिए, बड़ा नीचे, फिर जो छोटा नंबर है मीटर, इससे बड़े में जाना है, बड़ा यानी कि किलोमीटर, ऊपर आपका बड़ा होगा 18। ऐसे आपको 5/18 है, याद भूल सकता है, ऐसे याद रख दो। अगर आपने किलोमीटर से कहां जाना है, मीटर में जाना है, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे में जाना है, तो ऊपर आपका रहेगा 5, नीचे रहेगा 18, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अगर आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, पहले बड़ा आएगा उसके बाद छोटा। इसे आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रूल इसके बताता हूं। अब रहता है इसका एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका भी कुछ फार्मूले, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब कोई भी फार्मूले से नहीं बनाना, सिंपल जैसे हम बनाते आए हैं पहले के भी, अगर आपने वीडियोस देखे हो, हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसे इजी वे में बनाया है, बिल्कुल कोई फार्मूले की हमें नीड नहीं पड़ी है। अब बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड आपका क्या रहता है, स्पीड का फार्मूला वही डिस्टेंस बाय आपका टाइम रहेगा। और एवरेज स्पीड की बात करूं इसका क्या रहता है, 2xy/x+y, जो x है ये रहता है आपका डिस्टेंस ट्रैवल और x आपका डिस्टेंस ट्रैवल रहता है। एवरेज स्पीड को भी आप स्पीड इधर फार्मूला लिख लीजिए इसका 2xy/x+y, एवरेज स्पीड के फार्मूले को भी जल्दी से कॉपी कर लो। अब रहेगा फ्रेंड रिलेटिव स्पीड का, इसे आप ध्यान से याद रखना, रिलेटिव स्पीड का बड़ा लोचा रहता है, भूल जाता है रिलेटिव स्पीड को। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के दो केस रहते हैं, दो केस कौन कौन से, सपोज दो इधर हमारे पास कोई बॉडीज है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए जो है इधर से जा रहा है इधर, और जो बी है वो इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, ए से बी की तरफ, ए जा रहा है बी की तरफ और बी आ रहा है ए की तरफ। जब दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, इनकी अगर हमने स्पीड निकालनी होगी उसको बोलेंगे रिलेटिव स्पीड। और इनकी स्पीड कैसे निकलेगी, सपोज ए से जब बॉडी बी पे जा रही है, इसकी स्पीड हमने ए मान ली है किलोमीटर प्रति हावर, और जो बी है इसकी स्पीड मान ली है बी किलोमीटर प्रति हावर, इसकी स्पीड मान ली है, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी किलोमीटर हावर। जब दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जो ए की स्पीड है वो हमने ए मान ली है और बी की स्पीड हमने बी मान ली है, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं उनके जो रिलेटिव स्पीड निकलेगा वो ए प्लस बी निकलेगा। अब इसी का सेकेंड केस डिस्कस करूं, कोई दो बॉडीज है ए और बी, दोनों क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है,
जो ए है वो भी सी के पास जा रही है और जो बी है ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है सी के पास, ही हम रख लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। दोनों इसकी स्पीड हमने ए मान ली और इसकी स्पीड बी मान ली, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी ए माइनस बी किलोमीटर प्रति हावर इसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। जब क्या होगा दोनों बॉडीज, इसे याद रख लीजिए, जब दोनों की क्या होगी सेम डायरेक्शन होगी, जब दोनों बॉडीज की सेम डायरेक्शन होगी तब क्या होगा उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, जब दोनों की सारी अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में उनकी जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो दोनों की ऐड करेंगे तो हमें उसकी रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। इसे सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। जरा फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्पीड और डिस्टेंस टाइम का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक कार है वो 200 किलोमीटर चली 10 आवर में, हमने उसकी स्पीड बतानी है, तो स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकालनी हो डिस्टेंस कितना है 200 और टाइम कितना है 10 आवर। यूनिट का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी गलती यूनिट में होगी आपकी, उसने यूनिट आपको मिनट में दिया होगा या डिस्टेंस को मीटर में दिया होगा, इस तरह होगा। अगर मीटर में होगा किलोमीटर में करो, अगर हावर में होगा मिनट में होगा उसे हावर में करो, यूनिट मेन रहेगा आपका, ठीक है। जीरो से जीरो कट गया तो आपकी स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर हावर, ठीक है। ऑप्शन जो भी आपका इधर सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसे कॉपी करो।